हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले स्पाइडरमैन द अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की ओटीटी रिलीज के बारे में, ट्रांसफॉर्मर द राइज ऑफ बीट्स के ओटीटी रिलीज के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको स्पाइडरमैन द अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की ओटीटी रिलीज में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन द अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ओटीटी रिलीज के बारे में। तो सबसे इसका जो चेंजेस हुए अभी डेट के मामले में, तो डेट तो चेंजेस नहीं हुए हैं, 18 जुलाई को ही देखने को मिलेगा। और इसका ओटीटी रिलीज की बात करें तो आपको हॉटस्टार ही बताया जा रहा है। इसका ब्यूटी प्रीमियर में थोड़ा मेजर चेंजेस आए हैं, कुछ नए खबरें सुनने को मिले। तो ब्यूटी प्रीमियर में आपको बुक माई शो देखने को मिलेगा, उधर बाय कर सकते हैं। और इसका हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। अब बाय करना चाहते हैं हिंदी वर्जन तो आप उधर बाय कर सकते हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर, जो कि आपको ट्रांसफॉर्मर द राइज ऑफ बीट्स की ओटीटी रिलीज की बात करते हैं। तो इसका ओटीटी रिलीज अभी बताया जा रहा है करंट रिपोर्ट के अनुसार आपको 90 दिनों तक आपको थिएटर में चलने वाला है। और इसका ओटीटी रिलीज की बात करें तो आपको 9 सितंबर को देखने को मिलेगा, जो कि डिजिटली रिलीज होगा। और इसका अब बात करते हैं ओटीटी रिलीज कब तक देखने को मिलेगा। तो ओटीटी रिलीज आपको अक्टूबर के सेकेंड एंड थर्ड वीक तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये एक महीने का राउंड चलता है। हर बार में जैसे कि मैंने बता रखा है कि एक महीने का राउंड डिजिटल रिलीज चलता है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है। तो डिजिटल रिलीज की प्लेटफॉर्म की बात करें तो अमेजोन प्राइम रहने वाला है। और उसके बाद आपको ओटीटी रिलीज उधर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे पास्ट में जितने भी मूवी है उधर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा चांसेस है कि आपको उधर भी देखने को मिलेगा। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट फॉर मी। और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को भी देख लेना। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले दिन बात करूँ।